आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। आज लक्ष्मी पूजन है ना? हाँ है। माना जाता है कि आज की रात लक्ष्मी मैया हर एक के घर फेरा जरूर देती है, इसीलिए तो लोग अपने घरंदे दरवाजे खुले रखते हैं। तो आज की रात रतन के साथ उल्टा होगा, आज उसके घर में लक्ष्मी आएगी नहीं, जो उसके घर में बची खुची है वो खुले दरवाजे से बाहर निकल जाएगी। बीजी मेरे वास्ते दिवाली पे एक तोहफा लाने वाले थे ना, वो आ गया। कहाँ है तोहफा? बीजी वो घर पे पड़ा है, आप घर पे आओ मैं आपको दिखाता हूँ। रणवीर मैंने काम है यहाँ पे, ये दिए भी डाल। अरे बीजी काम बाद में कर लेना ना, घर पे आओ ना फिर मैं तोहफा दिखाता हूँ, बाद में काम कर लेना। बीजी चलो ना। कोई बात नहीं बीजी, इतने ही दिखा दो। नहीं फिरा इतने नहीं दिखाऊंगा, घर पे सबके सामने। चलो ना बीजी। बीजी चलो ना। रणवीर मैंने काम है, तू जा ना, मैं आती हूँ। ताई जी के घर जाके दिए भी लगाना। बीजी ताई जी के घर पे दिए मैं जला दूंगा, अभी आप घर पे चलो, मेरा वीरा का तोहफा देखो मेरे खातिर। बीजी ठीक है बाबा चलो। ये मकान ताई जी का। तो आए है वो मकान जिसके जुर्म पर रतन मैनू तेवर दिखा रही थी, और मैं कोई देख तो नहीं रहा। नहीं पाजी, सब अपने में मगन है और इधर कोई नहीं आता। पक्का? हाँ पक्का। बड़ा गहरा रिश्ता है चाय जी और रतन दा के। बड़ा दुख की बात है बख्तावर, अभी मकान उनके काम ना आ सकेगा। समझा नहीं पाजी मैं, कहीं आप ये मकान खरीदने का तो नहीं सोच रहे? कितने वक्त से देख रहा है मैंने, इतना बेवकूफ लगा मैं तुझे। मकान खरीदने से की हो जाएगा, ऐसा किया तो रतन फुर से उड़ जाएगी, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, नहीं तो की इज्जत रह जाएगी मेरी पिंड विचार। कुछ न कुछ करना पड़ेगा इस मकान का। अब फिक्र ना करो पाजी, छोटा सा मामला है मैं संभाल लूंगा। आज लक्ष्मी पूजा हो जाने दो, कल मैं जाकर सतेंद्र से बात करके उसको राजी कर लूंगा, वो मकान गिरवी ना रखे। बस अपना काम हो जाएगा ना। ना बख्तावर ना, कल किसने देखा है आज की बात का मतलब? आज लक्ष्मी पूजन है ना? हाँ है। माना जाता है कि आज की रात लक्ष्मी मैया हर एक के घर फेरा जरूर देती है, इसीलिए तो लोग अपने घरंदे दरवाजे खुले रखते हैं। तो आज की रात रतन के साथ उल्टा होगा, आज उसके घर में लक्ष्मी आएगी नहीं, जो उसके घर में बची खुची है वो खुले दरवाजे से बाहर निकल जाएगी। आप भी उठो। अरे कहाँ मगर? चाची बैठो उठते, बीजी आप भी बैठो। पर बात की है। आप सब लोग आंखें बंद करो।
दीजी मैंने पहले से ही कर लिया, लेकिन वो तोहफा तो बहुत बड़ा होगा ना, बहुत भारी होगा, मेरे हाथ में ऐसे ही मत छोड़ देना, नहीं तो मैं दब जाऊंगी, छोटी सी तो हूँ मैं। बोले नहीं चाची जी रुको, लेविया अपनी आंखें खोल ले अभी। आपने कहा कि बहुत बड़ा सा तोहफा दोगे आप, लेकिन ये तो टुल्लू सा है। हाय ओ मेरे रब्बा, ये तो वही मिसाल हो गई, बातें कर रहे थे ऊंट की, निकला खरगोश। हाय रब्बा, पूरे पिंड में हाहाकार मचाया हुआ था, बड़ा तोहफा है, बड़ा तोहफा है, बड़ा तोहफा है, ये क्या निकला टुन्नू। अरे भैया पहले खोल खुद देख, ये बड़ा है कटन में सर, फिर कहना मैंने। पीछे ऐ तो भाई। हाँ वीरा हाँ। छोटे चल। ये तो फ्रॉक है और कितना कितना अजीब सा है, कितना फीका रंग है इसका, ना कुछ बटन लगे हैं, ना लेस लगी है, ना जरी लगी है। पुत्र तेरे को फ्रॉक ही चाहिए था ना, तो मेरे को दस देता, मैं चली चलती तेरे साथ बाजार लेने के वास्ते। चाची जी ये फ्रॉक नहीं है, ये वीरा के नए स्कूल के यूनिफॉर्म है, नए स्कूल के कपड़े। बेटा वीरा वो तेरे दिल्ली वाला स्कूल बहुत पसंद है ना, इसके लिए मैंने अशोक चाचू से कहा था पता लगाने वास्ते कि वहां पर तेरा दाखिला हो सकता है कि नहीं हो सकता, और पता है अशोक चाचू ने मैंने फोन करके की कहा, उन्होंने कहा कि उतने तेरा दाखिला हो सकता है। हमें बहुत जल्दी दिल्ली जाना होगा दाखिले की परीक्षा देने वास्ते। सच्ची बीची आप ठीक कह रहे हो। हाँ वीरा सच्ची, तेरी सौ तुझसे कभी झूठ बोलता हूँ कि वीरा तेनों पता है वो स्कूल में ना होशियार बच्चों की फीस भी कम कर देता है, अशोक चाचू ने कहा था कि वो तेरी भी फीस कम करवा देंगे। छोटे चा ऐ की कह रहा है तू। अच्छा जी अशोक चाचू ने बलवंत राय जी के घर पे फोन करके बताया था कि वीरा का उधर दाखिला हो सकता है। आई वो तोहफा जो मैं वीरा आज देना चाहता था। वीरा बता ये तोहफा बड़ा है कि टुन्नू सा है। सोच वीरा ऐश का वो स्कूल कबूतर बहुत अच्छा है ना वो, और कितना बड़ा भी है। अगर मैं उस बड़े से स्कूल में जाऊंगी मेरे पास नया कंप्यूटर होगा पढ़ने के वास्ते, मैंने उतने अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी वीजी, मैं भी उन बच्चों की तरह अंग्रेजी बोलूंगी। फाइव 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 ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले। लेकिन वीजी मेरा दाखिला हो जाएगा, मैं वो सब कर पाऊंगी ना। वीरा तू चिंता क्यों कर रही है। अच्छा चल मैं जानो किसी के बारे में बताता हूँ। वीरा तुझे हमारे देश के क्रिकेट टीम के कप्तान के बारे में पता है। हाँ धोनी चाचू ना। हाँ वीरा धोनी चाचू। वीरा तेनू पता है वो इतने कामयाब क्यों है। वीरा तेनू पता है वो भी एक छोटे से शहर से थे, उन्होंने ना बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, फिर जाके उन्हें कामयाबी मिली। उन्हीं की तरह हमें पूरे मन से कोशिश करनी चाहिए वीरा, और अपने आप पर यकीन रखना चाहिए, ये करो यकीन तो दुनिया तुम्हारी। वीरा तू परेशान ना हो,
तो वो सब कुछ कर पाएगी जो बड़े स्कूल के बच्चे करते हैं। अभी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं पूरे मन से कोशिश करूंगी और बड़े वाले स्कूल में दाखिला लेके रहूंगी। वीर जी हावीरा, मैंने भी तेरे ऊपर पूरा यकीन है कि तू बड़े स्कूल में अपने वीर जी का और पापा जी का नाम रोशन करेगी। ये मेरे अच्छे वीर जी, मेरे प्यारे वीर जी, मेरे अच्छे वीर जी, मेरे प्यारे वीर जी। बस कर रणवी, बंद करिए पागलपन। मैंने समझाया था ना तेनु उस दिन, इतना खर्चा हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बीजी, वो तो पहले की बात थी ना, अभी चाय जी के घर के पैसे आने वाले हैं ना, फिर तो कोई मुश्किल नहीं होगी ना। चाय जी ने भी तो कहा था कि सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रणवी, समझने की कोशिश कर, वो पैसे किसी और जरूरी काम के वास्ते हैं। जरूरी काम? बीजी, मेरी वीरा की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी काम कौन सा हो सकता है? रणवी, वो चाय जी, चाय जी, चाय जी, जल्दी चलिए, आपके मकान में आग लग गई है। आग मेरे घर में? चलो कुछ नहीं बचा, आगे मत जाइए। कैसे हो गया जी? पता नहीं, मैं खुद आने वाली थी यहाँ दिया जलाने के वास्ते। रब का शुक्र है जो आप यहाँ नहीं आए, नहीं तो आपके साथ भी तो कुछ हादसा हो सकता था। मैं आती तो शायद आग नहीं लगती। डालने दो, पिछले दरवाजे से अंदर जाकर सामान तो निकाल लो। और नहीं जी, अब कुछ नहीं हो सकता, आगे चारों तरफ से बराबर फैल चुकी है। ये तो क्या आखिरी उम्मीद थी पुत्र, इसके बाद हर पास बर्बाद, सब कुछ खत्म हो गया। देखो चाय जी क्या कह रही है। चाय जी सही कह रही है, ये आखिरी उम्मीद थी हमारी, ये सिर्फ घर नहीं जला, हमारी आखिरी उम्मीद भी जली है। हम सब संभाल लेंगे, आप चाय जी को लेके घर जाओ। ना पुत्र, मेरे को घर नहीं जाना पुत्र, इनकी तबीयत खराब हो जानी है यहाँ सदन से। हाँ चलिए ना चाय जी घर, चाय जी आप घर पे चलो, चाय जी नहीं चलिए, नहीं चाय जी, चाय जी आप घर पे चलो ना, चाय जी, चाय जी घर चलो आप। अरे पापा, चलिए चाय जी थोड़ा सा खा लीजिए। ना पुत्र, मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं। चाय जी खाएंगी नहीं तो दवाई कैसे लेंगे आप? दवाई भी नहीं खानी मेरे को, तो बस मेरे को मेरे घर ले चल, मेरे को मेरा घर देखना है पुत्र, चल। हाँ हाँ हाँ, चलेंगे चलेंगे हम, मैं खुद लेकर चलूंगी आपको, पहले आप थोड़ा सा खा लीजिए। नहीं नहीं खाऊंगी मैं, जिद मत कर तू। जय जी आप फिक्र ना करो, आपका छोटा चंदा ना घर का मर्द एक दिन आपके पहले वाले घर से भी एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा मैं आपके वास्ते। चाय जी छिंचड़ी भी तो है ना आपकी,
सब पीछे आपके वास्ते एक बड़ा सा घर बनाएंगे तो सबसे पहले मैं उसमें पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा दरवाजा लगा दूंगी ताकि आपको आने जाने में तकलीफ ना हो और आप फंस ना जाओ। लगता है सतिंदर आया। चल पुत्र चल देख। जय जी ससिगल जय जी जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। सतिंदर जी रणवीर वीरा को लेकर जरा बाहर जा, हमें जरा जरूरी बात करनी है यहाँ पर। हाँ वीरा तू घर की जनानी है पर घर की छोटी जनानी है, पर जब घर की बड़ी जनानी छोटी जनानी से कहती हैं तो छोटी जनानी को बड़ी जनानी की बात मान लेनी चाहिए। चल वीरा मैं तेन बलदेव के घर पे लेकर चलता हूँ, उत्थे गुंजन के साथ खेलना ठीक है। जय जी मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, प्रीतमपुरा में पहली बार ऐसा हुआ। माफ करना जय जी ये आपके मकान के कागजात अब मेरे पास रखने से कोई मतलब नहीं है ना जी, आप इन्हें रखिए संभाल के। जय जी रतन जी उम्मीद है कि आप मुझे समझेंगे, अब मैं आपकी पैसों से कोई मदद नहीं कर सकता। देखिए अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे लेकिन क्या करूं जी, आकर व्यापार व्यापार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे इजाजत दीजिए मैं चलता हूं। ससरीगल जी चल रतन पुत्र चल मेरे नाम। भाई कहां, जिसने भी मेरे साथ ये किया है उसको उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। पुलिस स्टेशन चलकर रपट लिखवाते हैं। उस इंसान को मैं इस तरह से नहीं जाने दे सकती, उसको सजा मिलनी चाहिए। चल चल पुत्र ताई जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।